जैसे आपका पहला पेमेंट था $300 का, इस समय कितना पेमेंट बन रहा है? अभी फाइनलाइज हुआ है मेरा $21,000 एक अकाउंट लास्ट महीने का। हाँ, मतलब $21,000 हुआ है फाइनलाइज। ओके, तो दिखाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दिखाइए भाई, हाईएस्ट कितना गया था भाई एक महीने का? एक महीने का हाईएस्ट $116,000। अमेजिंग, दिखाना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल दिखा देते हैं। $119,000 हुए हैं, ऑलमोस्ट एक करोड़ रुपए। हाँ, एक महीने में भाई ने 1 करोड़ रुपए कमाए। लोग बोलते हैं भाई ब्लॉगिंग से पैसे बनते हैं क्या? दोस्तों, क्या आपके कभी मन में सवाल आया कि ब्लॉगिंग से हम कितना पैसा बना सकते हैं, या फिर ब्लॉगिंग से क्या हम मिलियनेयर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं? अगर आपके मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं तो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक ब्लॉगर है और ब्लॉगिंग से काफी मोटा पैसा बना रहे हैं। उनका नाम है राकेश परेवा जी, जो जयपुर से बिलोंग करते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे हम करेंगे बातें और साथ ही साथ जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी, कैसे करते हैं ब्लॉगिंग, कैसे इतना मोटा पैसा बना रहे हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में। राकेश भाई, स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भाई कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे? तो यार, ब्लॉगिंग से जैसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या हम ब्लॉगिंग से पैसे बना सकते हैं, और जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, इवन जब आपसे बात हुई थी, तो आपने एक एडसेंस अकाउंट का आपने दिखाया था अराउंड $20,000 से $25,000 पर मंथ कर रहे हो। हाँ, ऐसे कितने अकाउंट है भाई? सबका थोड़ी बता सकते हैं। सबका नहीं बता सकते। ओके, 20 से 25,000 वाला आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो 20 से 25,000 यानी कि गाइस लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा ही आते हैं हर महीने, जो सिर्फ ब्लॉगिंग से करते हैं, ब्लॉगिंग में और सिर्फ एडसेल्स से मोनेटाइज किया हुआ। एडसेल्स में हम इतना पैसा दिखाएंगे आपको। तो भाई आपने शुरू कब किया था? मैंने 2016 में शुरू किया था, जब मैं कॉलेज में ही था। मतलब कॉलेज से बाहर क्या कर रहे थे आप? इंजीनियरिंग। अरे भाई, इंजीनियर्स फोड़ते हैं भाई, बस अपने फील्ड में छोड़ के। ओके, अपने फील्ड में है ही नहीं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे, हम अभी वीडियो पे आगे बढ़े, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में। मैं जयपुर से हूँ और मैंने इंजीनियरिंग करी है, MBM कॉलेज है जोधपुर में। हुआ क्या था कि घर की मतलब थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी ठीक, तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऑनलाइन पैसा कमाया जाए ताकि अपन अपनी फीस भर सके। किस समय की बात है भाई? ये 2013-14 की बात है। 13-14 की बात है। तो उस टाइम पे मेरे को पता चला कि उस टाइम पे कुछ ना ऐप्स आते थे शेयरिंग करने पे पैसे, रेफर करने। हाँ, रेफर एंड अर्न टाइप। तो मैंने कुछ टाइम वो किया, फिर मैंने सोचा कि इसमें मतलब मजा नहीं आ रहा। वो बात नहीं है कि हर किसी को रेफर करेंगे तो वो इरिटेट हो जाता है इंसान। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे कोई परेशान भी ना हो और अपना काम भी बन जाए और अपनी वैल्यू एड भी हो जाए। तो करते करते मेरे को एक बार पता लगा गूगल एडसेंस कोई चीज़ होती है। ओके, तो मैंने सोचा कि यार ये क्या है। फिर मेरे YouTube पे वीडियोस वगैरह देखे, तो उस टाइम पे इंग्लिश चैनल ज्यादा हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तब इंडियन चैनल नहीं था गाइस। हाँ, उस टाइम पे एक ब्लॉग चलता था उनका, शाउट मी लाउड, हर्ष अग्रवाल। सही स्टोरी है यार अपनी तो। हाँ, तो मैंने उनके देखे पे आउट वगैरह, मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार ये इतना हो सकता है तो मतलब इतना कर सकते हैं, वो है तभी कर सकते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, मैंने एक वेबसाइट बनाई, उस पर गूगल एडसेंस अप्रूव करवाया। अब मुझे पता नहीं था कि लिखते कैसे क्या करते हैं, तो मैंने क्या किया, विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट करने लगा। अब कुछ बने ही नहीं। अब मैं डिमोटिवेट उत्साह हो गया था। फिर मेरे को कहीं से पता लगा कि आप कॉपी कंटेंट से नहीं कमा सकते पैसा, आपको कुछ वैल्यू एड करना पड़ेगा, कुछ ओरिजिनल देना पड़ेगा, तभी आप कमा सकते हो। तो फिर मैंने थोड़ा सा और रिसर्च करनी स्टार्ट करी, फिर और भी जो ब्लॉगर्स हैं उनका देखा, तो उन्होंने किसी ने टेक ब्लॉग स्टार्ट करने का था तो उनके ब्लॉग्स देखने लग गया। उस टाइम पे एक वेबसाइट हुआ करती थी phonearena.com, वो आज भी है। तो जब भी कोई नया फोन चाहिए होता तो वो वेबसाइट सबसे ऊपर आती थी। हाँ, तो मैं देखता था कि, और उस पे क्या गूगल एडसेंस के एड कोड भी लगे हुए होते थे। तब मेरे को लगा कि यार ये इन्होंने भी लगा रखा है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है अब तो, वो इन्होंने भी लगा रखा है तो मतलब अपन भी करते हैं, देखो ट्राई। फिर मेरा सबसे पहला ब्लॉग था phonecadoctor.com, फोन का डॉक्टर। हाँ ओके, तो मैंने उससे बनाया था अपने। हाँ, मैंने उससे स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे किया। उस टाइम पे लिखना भी नहीं आता था कुछ खास, करते रहे नहीं हुआ। फिर मतलब कॉलेज के प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए, तो उस बीच में मैं यार करने लग गया। तो वो एक फेज आया कि मेरी जॉब लग गई थी बायजूस में। हाँ, तो वो दे रहे थे 20 लाख का पैकेज। अब 20 लाख का पैकेज जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बहुत हैंडसम अमाउंट, बहुत अच्छा बढ़िया है। बिल्कुल, हम तो 20-25 हज़ार का जॉब ढूंढ रहे थे भाई। तो क्या हुआ, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और मैंने मतलब पूरा तरीके से नहीं छोड़ा। एक ब्लॉग बनाया था और वो अचानक से रैंक हो गया और उससे डॉलर्स आने स्टार्ट हो गए। जॉब लग गई थी? जॉब भी लगी। हाँ, जॉब लगी, जैसे आज जॉब लगी है,
इससे 15 दिन बाद में ट्रैफिक आने लग गया और वो ओके मतलब तो मैं ऑफिस जाता था आता था और बायजूस का कल्चर ऐसा है ना कि आपकी मेंटल पीस गायब, आपकी पर्सनल लाइफ खत्म, अभी बायजूस कुछ ऐसी हालत हो रखी है तो तो मेरी जिंदगी ऐसी हो गई थी कि मैं कहाँ आ गया, कर क्या रहा हूँ मैं, ये क्या मतलब इंजीनियरिंग करी है, मानते हैं कुछ भी कर सकते सेल्स करवा रहे आपसे और सेल्स में डाल रखा है। और चलो फिर मैंने सोचा कि यार अब ये छोड़ने का ही फायदा है, फिर मैंने छोड़ा। और क्योंकि उस टाइम पे ट्रैफिक आने लग गया था और मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी कुछ $300 के आसपास। ओके और किस समय की बात है? ये 2016 की बात है, फर्स्ट पेमेंट 2016 में आई थी। हाँ और गाइस अगर आपको याद हो तो आपके भाई का भी पहला पेमेंट जो गूगल एडसेंस से आया था अप्रैल या मई में आई थी 2016 में, $126 मेरे जून के आसपास आई थी। हाँ भाई अपनी स्टोरी काफी सिमिलर है यार। तो फिर वो पेमेंट आई और फिर मैं वो उससे थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिला कि यार करते हैं एक बार और ट्राई करते हैं, क्योंकि ये जॉब तो अपन कर नहीं सकते, जॉब या तो नई ढूंढनी पड़ेगी या एक बार इसमें और एक बार हाथ मारते हैं। तो फिर कुछ कुछ लोगों में जानने लगा ब्लॉगर्स वगैरह को, तो उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि यार अपन दिल्ली में एक इवेंट होता है IAS जहाँ पे अपन आज आए हैं, इंडिया एफिलिएट समिट। हाँ, इंडियन एफिलिएट समिट, तो यहाँ पे आया था, यहाँ पे लोग ना न्यूज़ की कुछ बातें कर रहे थे। ओके तो मैं उनसे कनेक्ट हुआ, फिर उन्होंने बताया कि यार ऐसे ऐसे न्यूज़ कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि यार अगर ऐसा होता है, क्योंकि न्यूज़ का ऐसा सीन था वो साइट टॉप स्टोरीज में आती थी और आज आपने स्टार्ट कर आज से ही रैंक होना स्टार्ट और आज से ही ट्रैफिक आना स्टार्ट, तो क्विक मनी किसको नहीं चाहिए। अब रिसेंटली हमने न्यूज़ ब्लॉग बनाया है और उस पर पूरा रिजल्ट वगैरह ला के हमने केस स्टडी भी दिखाया है लोगों को। हाँ ताज़ा टाइम करके। हाँ तो अभी उस पर डेली का ट्रैफिक 50,000 आ रहा है, बताओ, और मात्र 3 महीने हुए इसको। तो हमने फिर वो किया, बनाया, फिर हम एक बंदे से कनेक्ट हुए तो उन्होंने बताया कि न्यूज़ में ऐसे अप्रूव होती है, तो उन्होंने हेल्प करी न्यूज़ में अप्रूव करवाने में, उन्होंने हेल्प भी करी और उन्होंने बोला कि आप केवल मेरे को आर्टिकल दो और मैं अप्रूव करवा के आपको दे दूंगा। तो उन्होंने अप्रूव करवा के मेरे को दी और यू वोंट बिलीव, मैंने साइट जैसे ही साइट आई बन के, हमने कुछ उस टाइम पर ऐसा था कि 20-30 कॉन्टेंट डालते थे पूरी डेली। हाँ तो हमने 20-30 कॉन्टेंट डाले, मैंने अकेले नहीं क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास में राइटर्स थे। ओके तो मैंने उनको बोला, उन्होंने लिखा और फर्स्ट डे 5,000 का ट्रैफिक, जैसे आज साइट लॉन्च हुई आज ही 5,000 का ट्रैफिक, और उसमें बन गए थे $20-30 और $20-30 बनना $300 की पेमेंट आई है और नेक्स्ट मंथ ही ऐसा हो रहा है कि $20-30 एक दिन में बने बन रहे, तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो और भी सही चीज़ है। फिर और मतलब करते गए प्रैक्टिस और रिसर्च वगैरह करते गए क्या क्या और ट्राई कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, अब टॉप स्टोरीज में ऐसा है होता था पहले, अभी तो बहुत कम हो गया है, कि आप ऐसा टॉपिक डालो जो टॉपिक बहुत अनडिस्कवर्ड और अनकवर्ड है, अगर ऐसे टॉपिक आप डालोगे तो आपका ज़रूर से आपका ट्रैफिक आएगा, क्योंकि किसी ने वो लिखा ही नहीं है और कोई सर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली गूगल उसको लेके आएगा। तो हमने वो, क्योंकि वो क्लिक हुआ और मैंने ये स्टार्ट किया, तो सेकंड मंथ हमारा ट्रैफिक हो गया था 3 मिलियन। तीन मिलियन? हाँ अरे भाई, मतलब सेकंड मंथ हमारा मतलब पूरे मंथ का ट्रैफिक 3 मिलियन हो गया था और $12,000-13,000 उस टाइम पे मंथ में बन गए थे। अब क्या हुआ, इंग्लिश में? इंग्लिश, पूरा इंग्लिश। और न्यूज़ कहाँ गए थे, इंडिया के कि बाहर? नहीं सारे बाहर के ही। बाहर गए थे? हाँ। तो ये बाहर का न्यूज़ आपको कवर करना है, आइडिया कैसे आया था? ये आइडिया मेरा एक दोस्त है वो करता था। ओके तो उसकी बाहर से पीसी वगैरह अच्छी मिलती होगी? बहुत अच्छी, अभी भी अच्छी मिलती है। तो फिर आपने जॉब छोड़ दिया, 12-13 हज़ार पेमेंट आया उस टाइम पे, मैंने जॉब छोड़ दिया था। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ क्या हुआ मेरे साथ में, गूगल का आता एक अपडेट और मेरी साइट टॉप स्टोरी से बाहर, और मतलब जैसे 3 दिन तक हमारे डॉलर बनने लग गए थे 400-500 डेली के और सब कुछ ख़त्म। और मेरा हो गया दिमाग खराब कि साला यार अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, जॉब भी छोड़ दी, अब क्या करें। 10 दिन तो मेरे डिप्रेशन में चले गए कि मैं करूँ क्या, समझ में ही नहीं आया। अब फिर वापस से मैंने हिम्मत थोड़ी बांधी और वापस से न्यूज़ की वेब, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि गूगल न्यूज़ ने न्यूज़ सेक्शन अप्रूव करना बंद कर दिया था। ओके उस टाइम पे केवल एक तरीका था, या तो आप एक्सपायर डोमेन से निकालो जो कि मेरे को उस टाइम पे आता नहीं था, या फिर आप किसी से खरीदो जिसके पास में न्यूज़ वेबसाइट्स है, और वो उस टाइम पे 1-1.5-2 लाख की मिलती थी। अब क्योंकि आपने एक तरीके से आँख बंद करके और तीर मारना है, अगर सही लग गया तो पैसा रिकवर, नहीं लगा तो डूब जाएंगे पैसे और डिप्रेशन में जाओगे आप। फिर मैंने सोचा कि देखो
और मतलब देर इज नो गो बैक, तो करना तो यही है तो, हाँ रिस्क लेते हैं, चलो देखते हैं मतलब। तो फिर लिया और वो चल गई साइट लकीली, मतलब एक्सपायर डोमेन लिया कि किसी से नहीं, किसी से खरीदा। ओके तो वो चल गई, फिर उस पर स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि गूगल का जब भी अपडेट आता है ना, तो आपकी एक ना एक साइट मतलब आपकी साइट हिट कर सकती है, चांस है। दैट मीन्स अगर नेक्स्ट टाइम कभी और भी अपडेट आएगा तो कभी भी आ सकता है, क्योंकि गूगल के हर 20-25 दिन आता रहता है, आते रहते हैं। अब तो देने लगा। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार अगर मल्टीपल साइट्स मेरे पास में होगी तो कोई सी ना कोई सी साइट उस टाइम पे चलती रहेगी, मेरे पास में पैसा आता रहेगा, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि डिप्रेशन में जा रहा हूँ पैसा नहीं आ रहा है। तो यहाँ से एक लर्निंग ले सकते हैं गाइस कि बैकअप मतलब इनकम सोर्सेज और क्रिएट कर, मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए, ताकि उससे क्या होता है कि दिमाग में टेंशन नहीं आती, और दिमाग में जब टेंशन आती है तो आपका समझ नहीं आता कि क्या काम करने का मन ही नहीं होता है। मतलब टेंशन नहीं रहेगा तो आप काम करते रहोगे, अगर हाँ। डाउन भी हो जाता है तो कोई दिक्कत हाँ। नहीं है कि आपकी दूसरी चल रही है। हाँ, और गूगल के अपडेट का एक चीज़ और अच्छी है कि जैसे मान लो आज कोई अपडेट आया, कोई वेबसाइट डाउन हो गई ना, तो हो सकता है आपकी कोई और वेबसाइट अप हो जाएगी। अप हो जाएगी, तो वो इस हिसाब से काम करता है। तो धीरे धीरे करने लग गए अब लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब से हम अच्छा कर रहे थे सब कुछ। तो भाई अब जैसे आपका पहला पेमेंट था $300 का, इस समय कितना पेमेंट बन रहा है? अभी फाइनलाइज हुआ है मेरा $21,000 एक अकाउंट लास्ट महीने। हाँ, मतलब $21,000 हुआ है फाइनलाइज। ओके, तो दिखाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो दिखाइए भाई। रिफ्रेश कर दो इसको। हाँ रिफ्रेश कर दीजिए भाई। तो गाइस अभी राकेश भाई ने अपना एडसेंस डैशबोर्ड ओपन किया है, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मैं उड़ा लूँ भाई। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एस्टिमेटेड अर्निंग्स में आज की जो इनकम है $127। और भाई ये जो साइट है ये भी यूएस की, सारी यूएस के लिए है? सारी यूएस की। तो यूएस के लिए है, तो अभी दिन में हम लोग शूट कर रहे हैं, लाइक 6:38 हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो इस टाइम। और कल का यहाँ पे $200 हुआ है, इस महीने भी $4,500। इस महीने भी थोड़ा अभी 2-3 दिन यहाँ पे है तो थोड़ा अच्छा मतलब डाउन है। हाँ। okay. तो अभी 12 अक्टूबर में $4,500 बन गए हैं, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इसका 4 गुना और हो जाएगा, तो लगभग $16,000-$17,000 नहीं बन जाएंगे, 22,000 ही बन जाएंगे। वैसे यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं बैलेंस जो है $21,000 है जो लास्ट मंथ का है, और इनकी जो पेमेंट हुई है 18,000 के आसपास हुई है, तो 18-20,000 चल रहा है हर महीने का। भाई साहब इंडियन रुपीज में कितने होते हैं गाइस, 21,000 का कितना होगा, कैलकुलेट करके कमेंट करो ठीक है। और यहाँ पर भाई मैं यहाँ पे 2 days so far का मैं चेक कर लूँ जरा परफॉर्मेंस। हाँ, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं सिर्फ 15,000 पेज व्यू हैं, और RPM जो चल रहा है 8.30 का चल रहा है, जैसा कि भाई ने बताया US कंट्री को टारगेट किया हुआ है। और CPC यहाँ पे 10 सेंट का है, CPC ठीक है, नॉर्मली है, एकदम ज़्यादा भी नहीं है, और CTR 7.96 है। ओके, तो भाई एक समय जैसे $300 और आज $20,000 बन रहे हैं आपके महीने के, और अभी ये एक अकाउंट है, कैसे फीलिंग है भाई? अच्छा लगता है अगर आप खुद का काम खुद कर रहे होते हो, बिजनेस कर रहे होते हो, तो मतलब ऐसा होता है कि आप कभी भी कहीं पे भी जा सकते हो। जॉब कर रहे होते हो तो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन होती है कि किसी ने बुलाया है कहीं फंक्शन में जाना है, किसी कहीं पे घूमने भी जाना है okay. तो छुट्टी लो, अप्लाई करो, छुट्टी नहीं मिलोगी। यहाँ पे कम से कम ऐसा है कि आज मन कर रहा है तो अभी टिकट बुक करो, कल चलते हैं या फिर अभी निकलते हैं। और यहाँ शो में आगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज़ बता, कितने अभी टोटल आपके ब्लॉग्स चलते हैं? 17 ब्लॉग्स एक्टिवली चल रहे हैं। ओके, तो 300 आपका पहला पेमेंट, हाईएस्ट कितना गया था भाई एक महीने का? एक महीने का हाईएस्ट $1,16,000 ये किस समय गया था भाई, कितने टाइम पहले? ये लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल दिसंबर में। हाँ ओके, 2021 दिसंबर में। हाँ अमेजिंग, दिखाना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल दिखा देते हैं गाइस। 1,00,000 कितना, 1,20,000 बोला आपने भाई? हाँ ऑलमोस्ट, मतलब याद नहीं। 1,20,000 एक महीने में, अमेजिंग। इतने तो लोग रुपीस में नहीं कमा रहे भाई, आप डॉलर्स में चाह रहे हो। अच्छा तो 2,00,000-2,17,000 हो गए ना। हाँ वही, एक सेकंड ना, इसको यार एक महीना कर दो। सो गाइस एक इसको एक महीना कर, भाई कह रहे एक महीना कर दे और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ओके, एक महीना हमने कर दिया दिसंबर में, जैसा कि भाई ने बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस $1,19,000 हुए हैं। एक बार भाई गूगल कर लूँ क्या, $1,19,000 कितने होते हैं USD टू, अभी लोगों ने कर लिया होगा कैलकुलेट,
ऑलमोस्ट 1,00,000 1 करोड़ रुपया एक महीने में। अमेजिंग भाई, गाइस इस बात पर लाइक हो जाना चाहिए, 1 महीने में भाई ने 1 करोड़ रुपए कमाए। लोग बोलते हैं भाई ब्लॉगिंग से पैसे बनते हैं क्या, अमेजिंग यार राकेश भाई मजा आ गया। और गाइस अगर ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पे देखोगे पेज व्यू कुछ ज़्यादा नहीं है, 2.4 मिलियन का ही पेज व्यू है। तो 24 लाख पेज व्यू में भाई के $120,000 बने हैं। RPM आप देखोगे $48 का RPM है, और इस समय RPM अभी हमने देखा था कुछ $8 का है, तो अभी ऑलमोस्ट 5 times RPM कम हो गया भाई। तो RPM कम होने का क्या रीज़न लगता है आपको? शायद वॉर वगैरह चल रही है और अभी रिसेशन चल रहा है US में, तो इस वजह से, क्योंकि मैंने अभी एडसेंस वाले इवेंट में भी मैंने बात करी थी तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा। और गाइस कई लोगों को लग रहा होगा कि एक कोई और डॉलर है, अमेरिकन डॉलर नहीं है, तो एक बार हम आपको करेंसी भी दिखा देते हैं। यहाँ पे करेंसी में आप देखोगे USD यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी। अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में एक बार चेंज करके यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आपको लगे कि चीज़ें ऑथेंटिक है, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियोज़। ओके गाइस यहाँ पर देख सकते हैं 90 lakhs उस समय का ये कन्वर्जन रेट दिखा रहा है। अभी जैसे हमने चेक किया तो करंट रेट जो अभी डॉलर का चल रहा है 99 lakhs होते हैं $120 अगर आप चेक करोगे 120 के, बट ये उस समय का इंडियन रुपीज़ में दिखा रहा है 90 lakhs। ओके भाई साहब, तो उस वक्त जब ये आया था पेमेंट क्या फीलिंग थी भाई? पूछो मत, बता दो भाई। इट वॉज लाइक, मतलब मैंने भी सुना ही था कि इतना पेमेंट होता है कि ब्लॉगिंग देखा नहीं करोड़ कमाया जा सकता है कि नहीं, देखा नहीं था। मैंने भी बस सुना ही था, हर्ष अग्रवाल जी के रिपोर्ट में देखा था। हाँ है ना, उनके रिपोर्ट्स में देखा था और भी बहुत सारे US के ब्लॉगर्स हैं। अच्छा अभी आपके नेटवर्क में ऐसे लोग होंगे ना जो ऐसे छापते रहेंगे पैसे? हाँ, तो भाई उन लोगों से कनेक्ट कराओ मैं इंटरव्यू में। है ना भाई अपनी बातचीत ठीक है? बिल्कुल। ओके गाइस इस बात पर लाइक तो हो जाना चाहिए, और पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि बीच में सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहाँ पे हम पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें दिखाते हैं। इवन गेस्ट जो आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई लोगों के मोटिवेशन के लिए चीज़ें कर दो, बिकॉज ब्लॉगिंग जैसा कि भाई ने बोला कि हम किसी और के लिए काम नहीं करते, हम खुद के लिए करते हैं और एकदम पीसफुली चीज़ों को करते हैं। जब मन करे हम छुट्टी ले सकते हैं, जब मन करे काम कर सकते हैं, और जहाँ चाहें वहाँ से कर सकते हैं, सिर्फ रिक्वायरमेंट होगी तो लैपटॉप की, इंटरनेट की, और फिर पैसे बनाओ, दुनिया के किसी भी कोने में रहो। लेकिन उसके लिए आपके पास ब्लॉग का होना ज़रूरी है, और ब्लॉग बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपको ब्लॉग शुरू करना है तो आप सिंपली जाइए, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है होस्टिंगर का, उस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नीचे अगर लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप न्यूज़ ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिज़नेस प्लान को चूज़ करो, क्योंकि ये थोड़ा सा पावरफुल है इस प्रीमियम वाले टूल से जो ₹149 पर मंथ का आता है। हालांकि अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप ₹149 पर मंथ के साथ जा सकते हैं, और किसी भी पैकेज को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको एक डोमेन बिल्कुल फ्री मिलता है, आपको डोमेन के लिए अलग पैसे नहीं करने होते हैं। और इसके अलावा और डिस्काउंट चाहिए तो सिंपली जैसे मान लीजिए मैंने इसको एड टू कार्ट किया, और यहाँ पर 1 month का प्लान छोड़ के आप कोई भी प्लान अगर सेलेक्ट करते हो, लाइक 12 month का या फिर 24 months का या फिर 48 months का, तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 12 month का सेलेक्ट किया है प्लान, इसमें मैं एक डोमेन भी क्लेम कर सकता हूँ, और साथ ही साथ जैसे आप मेरा कूपन कोड एंटर करोगे सतीश के, यहाँ पर जैसे अप्लाई करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आप देखो 10% का डिस्काउंट इंस्टेंटली हो जाता है। इसके अलावा हम आपको अपने तरफ से $1,000 का प्रीमियम प्लगइन और थीम्स भी देते हैं अगर आप हमें इनवॉइस मेल करते हो gift@satishkushwaha.com पे। ईमेल आईडी ध्यान से देख लेना। और ब्लॉग शुरू कैसे करना है, पूरा सेटअप कैसे करना है, हमने पूरा ये वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आप न्यूज़ ब्लॉग बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ हमने अभी अपने ताज़ा टाइम जो हमारा लेटेस्ट न्यूज़ ब्लॉग है उसका केस स्टडी हमने यहाँ पे बताया है कि कैसे वो ब्लॉग ग्रो हुआ, कैसे उसमें पैसे बनने शुरू हुए हैं, और कैसे अभी आज के टाइम पे $50 से भी ज़्यादा पैसे बन रहे हैं। तो इस केस स्टडी को ज़रूर आप देख लेना। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और राकेश भाई से और भी चीज़ें सीखते हैं। चलो ये तो मोटिवेशन की बात हो गई भाई, अब थोड़ा काम की बात पे आते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है कंटेंट बनाने का, कैसे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो थोड़ा बताओ। अभी मेरी पूरी टीम है। कितने लोगों की टीम है? ऑलमोस्ट 40 लोगों की टीम। 40 लोग, अरे वाह। फिर एक्सपेंसेस ही मोटा मोटा आता होगा भाई। हाँ। कितने आते हैं एक्सपेंसेस? 8 से 10 लाख। 8 से 10 लाख एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। आपकी 17 साइट्स अभी चल रही हैं, तो कैसे आप काम करते हो थोड़ा अगर बताना चाहो स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो उसमें मतलब हर किसी का हमने एक
पार्ट डिसाइड कर रखा है कि आपको क्या करना है. ओके आपको क्या करना है, आपको क्या करना है. अब जैसे कोई एक बंदा है जो कीवर्ड निकालता है, ठीक है ठीक है, उसने कीवर्ड निकाला, एक बंदा टाइटल बनाएगा कि ये टाइटल होना चाहिए, फिर वो जाता है राइटर्स के पास में. ओके फिर वो राइटर्स उस टाइटल के हिसाब से पूरी रिसर्च कंटेंट बनाते हैं और वो कंटेंट बनाते हैं. फिर वो जाएगा प्रूफ रीडर के पास में, वो प्रूफ रीडर वो प्रूफ पूरे चेक करेगा, गलतियां चेक करेगा, हाँ हाँ जितनी भी गलतियां होती है वो चेक करेगा. उसके बाद में एंड में जाता है एडिटर के पास में, कुछ और गलतियां रह गई हो ग्रामर की और ये वो सब कुछ देख के वो पब्लिश करेगा. तो ये पूरा एक ना स्टेज है, ये 1 2 3 4 ऐसे करके हमने पूरा सेपरेट कर रखा है. ओके ताकि गलतियों की थोड़ी सी गुंजाइश कम हो जाए, क्योंकि गूगल का कोई भरोसा नहीं है. गलतियां आपने गलती करी नहीं और गूगल ने आपको अपडेट में उड़ाया नहीं. ग्रेट. तो एक चीज मेरे को बताइए, जैसे आपने बोला कि कीवर्ड रिसर्च करते हैं, एक टीम जो है कीवर्ड रिसर्च करती है, फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए क्या टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? गूगल ट्रेंड्स ओनली. यस. कोई पेड टूल नहीं? पेड टूल में हम कभी कभी एचआरएफ यूज करते हैं. एचआरएफ. ओके यस ठीक है. तो गूगल ट्रेंड्स का आप बताना चाहेंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ मतलब बता सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप दिखा दें स्क्रीन पे. गाइस हमने $120,000 आपको दिखाया है, तो $120,000 लाइक्स तो हो जाने चाहिए. 1,20,000 नहीं तो कम से कम 20,000 लाइक्स तो कर दो. अभी जैसे जो लोग भी जो भी न्यूज ट्रेंड में है, तो वो ये यहाँ पे ट्रेंड में आ जाएगी. ये सारी कैटेगरीज में जो ट्रेंड में वो सब यहाँ पे कंट्री अपने यूएस लगाया हुआ है. हाँ, हाँ, क्योंकि मैं यूएस में यूएस का टारगेट करता हूँ, तो मैं उसके हिसाब से यूज लगा रखा है मैंने. तो अभी जैसे मान लो को ये न्यूज चल रही है, तो मैं इसके यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसके नीचे ना ये रिलेटेड क्वेरीज है, मतलब लोग ये भी सर्च कर रहे हैं. okay. इस न्यूज के अलावा. गॉट इट. तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से कोई भी बंदा हो गया, फिर कोई भी चीज हो गई जो मेरे को लग रहा है कि इसके ऊपर अपन न्यूज बना सकते हैं. okay. तो वो उठाऊंगा और उससे रिलेटेड न्यूज बनाऊंगा. मैं इस न्यूज पे न्यूज नहीं बनाऊंगा, मैं इनसे रिलेटेड किसी चीज पे न्यूज बनाऊंगा जिसमें ये सारी चीजें कवर हो रही, जो मेन चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं. हाँ जो नीचे उससे. हाँ और उसमें ये सारी रिलेटेड क्वेरीज मैं कवर करूंगा. तो उससे क्या होगा, इनमें से अगर एक कोई सा भी कीवर्ड रैंक हो गया तो ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा. तो जैसे भाई जैसे न्यूज के लिए आप कितना आर्टिकल का लेंथ कितना होता है? 300-400 वर्ड लाइक जो नॉर्मल ब्लॉग. नहीं नॉर्मली मैं ये मानता हूँ, मतलब मैंने ये समझा रखा है, अगर 200 वर्ड भी है ना, बट जो अपन इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इंटेंट वो हो रहा है. हाँ वो सफिशियंट होना चाहिए. वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले ने 200 वर्ड का लिख दिया और उसमें इन्फॉर्मेशन की कमी है. इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज तो यही होती है ना. सही बात. और न्यूज में जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जैसे बहुत सारे और भी मीडिया हाउसेस न्यूज कवर कर रही हैं, अगर हम कवर कर रहे हैं तो क्या उसमें कॉपीराइट का इशू कुछ हो सकता है? न्यूज में कॉपीराइट का इशू इसलिए नहीं होता क्योंकि अपन ओरिजिनल न्यूज बना रहे हैं खुद. और न्यूज तो न्यूज है ना, उसको न्यूज क्यों करोगे आप? न्यूज तो एक बात बताओ, अगर कहीं पे वॉर चल रहा है तो इंडिया टाइम भी उसको कवर करेगा, वही चीजें वो भी बताएगा, दूसरे वाले भी सब वही बताएंगे. तो न्यूज, और ऐसा नहीं है ना न्यूज के ऊपर आपका कॉपीराइट है, न्यूज के ऊपर किसी का कॉपीराइट थोड़ी है. अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसको तो सब लोग ही कवर करेंगे ना. करें. जो करना चाहेंगे. तो बेसिकली आप गूगल ट्रेंड्स का यूज करते हो और फिर उस पर आर्टिकल बनाते हो. ओके और एक और चीज है, जैसे अभी आजकल आपने देखा होगा कि आजकल क्या लगभग 1-1.5 साल से चैट जीपीटी और एआई टूल्स का बहुत क्रेज. नहीं बिल्कुल बिल्कुल मना करूंगा इस चीज के लिए मैं. आप यूज करते हो? नहीं. ओके नॉट एट ऑल. तो गाइस अभी प्रो ब्लॉगर आपको बोल रहे हैं खुद कि चैट जीपीटी या फिर एआई टूल्स का यूज नहीं करना है कंटेंट लिखने के लिए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्योंकि एक बार के लिए आप ना 1-2 महीने उससे पैसा बना सकते हो, मतलब वो भी पॉसिबिलिटीज है. एक बार बना लोगे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी. हाँ पर गूगल के अपडेट हर महीने आते हैं, तो आपकी साइट कब हिट हो जाएगी? मान लो आपने कोई ब्लॉग बनाया, एआई कंटेंट उस पर डाल रहे हो, उसकी अगर अर्निंग अच्छी हो गई और ये हुआ कि अगर वो साइट गूगल के अंदर हिट हो गई, तो आप ये सोचोगे, ये रिग्रेट करोगे कि यार मैं कंटेंट अच्छा ही डलवा देता ना, तो कम से कम ये चीज़ें चलती रहती. वैसे अभी हमारे सामने लाइक इतने लॉन्ग टर्म से कर रहे थे, समय से कर रहे हो आप, 2015 से कर रहे हो एक्टिवली. पैसा बनना कब से शुरू हो गया था भाई? चार साल से एक्टिवली पैसा बन रहा है. तो इतने लंबे समय से भाई कर रहे हैं, और रीज़न ये है कि चीज़ों को आप जब सीरियस तरीके से करोगे, लाइक इधर उधर से कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, एआई चीज़ों का आप यूज़ करके, लाइक आपको लगेगा कि आप काम बहुत कर रहे हो बट कुछ नहीं, प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है, उसमें वैल्यू कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी. जैसे आप पैसा बना भी लोगे उस चीज में, पर ये उसका कोई फ्यूचर नहीं है. फ्यूचर नहीं है क्योंकि आप चाहोगे कि कोई वेबसाइट को आपको लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है, कि वो पॉसिबल नहीं है उसके. तो राकेश भाई एक चीज बताओ, जो नए लोग अगर देख रहे हैं जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं,
वो कैसे शुरू करेंगे, क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले डोमेन बाय करो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में होस्टिंग लो, उसको होस्ट करो। जो भी आपका इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि ये इंटरेस्ट है मेरा, मैं इसमें काम कर सकता हूँ बिना किसी मतलब आउटपुट मतलब आप मेहनत करो। आप ये मत देखो कि डॉलर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर आपने ये देख लिया डॉलर बन क्यों नहीं रहे, तो आप एक महीना और दो महीना काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। डीमोटिवेट हो जाओगे क्योंकि डॉलर बनेंगे नहीं, इतना जल्दी नहीं बनेगा, इतना जल्दी नहीं बनेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने आप को, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कि मैं 6 महीने तक या फिर हो सकता है साल भी लग जाए, 6 महीने या साल तक मैं मेरे इंटरेस्ट को फॉलो कर सकता हूँ। इंटरेस्ट समझ लो या फिर कोई भी चीज़ समझ लो जिससे आपको लगे कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। अब जैसे कई लोग एंटरटेनमेंट यूज़ करते हैं, कई लोग जैसे कई लोग एजुकेशन पे भी करते हैं, कई लोग बहुत सारी वेबसाइट है, सब लोग अलग अलग चीज़ों पे करते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें छोड़ रखी है इसके बारे में सोचना, तो मुझे लगता है जब कोई इंसान ना बिना चिंता के कोई चीज़ करता है तो वो ज़्यादा पैसा बनाता है और वो जल्दी बनता है पैसा। जितना ज़्यादा आप पैसे के बारे में सोचोगे पैसा आपसे दूर भाग। बेसिकली रिजल्ट पे ही तुरंत फोकस नहीं करना है, पहले काम करो अच्छा। काम मतलब गूगल को लगना चाहिए कि हाँ ये वैल्यू ऐड कर रहा है विजिटर्स के लिए। क्योंकि ऐसा अगर आपका कंटेंट बेकार होगा तब तो गूगल दिखाएगा ही नहीं। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा आपके कॉम्पिटिटर से तो गूगल आपको सपोर्ट भी करेगा, आप ऊपर जाओगे। तो अभी जैसे मैंने देखा भाई आपका डेली का ट्रैफिक 10 से 15 हज़ार के करीब है। नहीं मतलब 50-60 हज़ार। 50-60 हज़ार एक बार मैं चेक कर लूँ जरा, ये लास्ट 7 डेज का देखो ना, लास्ट 7 डेज में लगभग 4 लाख के करीब है, ठीक है। तो भाई जैसे इतना ट्रैफिक अगर आपको आ रहा है तो महीने के लगभग हो गए 1.5 मिलियन से 2 मिलियन के करीब ट्रैफिक आपके आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या होस्टिंग आप यूज करते हो, कौन सा? डिजिटल ओशन यूज करते हो भाई। तो और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए क्या रिकमेंड करना चाहोगे? बिगिनर्स अभी ब्लॉगर पे भी बना सकते हो, बट मैं ये बोलता हूँ आज के टाइम पे ब्लॉगर मैं मना करूंगा। ब्लॉगर पे लोग बनाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कभी स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पैसा नहीं, सीखने के लिए सही, सीखने के लिए सही है वो। पर अगर आपको प्रोफेशनली ये चीज़ करनी है तो आपको कोई भी अच्छी होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। और वर्डप्रेस पे ही बनाओ, वर्डप्रेस पे बनाओ, स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा खर्चा आता नहीं। गोडैडी भी बहुत अच्छी डोमेन्स होस्टिंग बाइकन। और आपको क्या लगता है कि ब्लॉगिंग का फ्यूचर कैसा रहने वाला है? लोगों के मन में ऐसा रहता है कि यार वीडियोस ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, रील्स नहीं। नहीं अगर ऐसा होता तो आपका ट्रैफिक नहीं आता, ऐसा होता मेरा नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं उनका इतना इतना ट्रैफिक, 100 मिलियन ट्रैफिक। सही बात। आज भी अगर आप रिसर्च करोगे ना तो रीडर्स ज्यादा हैं वीडियोस देख, क्योंकि वीडियो इंसान को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरा, अगर 10 मिनट का होगा तो पूरा 10 मिनट देखना पड़ेगा। गूगल पे आप करोगे गूगल सर्च और 1 मिनट में वेबसाइट आएगी, 1 मिनट के अंदर पढ़ के आप निकल लोगे। और उसमें भी गूगल में कई बार तो हाईलाइट कर देता है, हाईलाइट कर देता है, राइट, जो आपको चाहिए वो हाईलाइट कर देता है। करेक्ट। तो ये चीज हो सकता है थोड़ी डिक्लाइन पे जाए पर खत्म नहीं हो सकती। ओके भाई, तो आप बताना चाहोगे लाइक कि आपके लाइफ की सबसे बड़ी परचेज क्या आ रही है अभी तक? घर। घर? हाँ। कितने का लिया था भाई? अरे ये चलो घर। और क्या क्या चीजें खरीदी आपने लग्जरी में? घर है, गाड़ी ली थी। कौन सी गाड़ी है भाई? नेक्सॉन है और एक XUV 300 है। ओके बढ़िया, मतलब पैसे कहीं और लगा रहे हो। गाड़ियों का शौक नहीं है आपको? मेरे को गाड़ियों का शौक है पर अभी थोड़ा ग्रोथ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बढ़िया अच्छा है। और भाई ने अभी हाईएस्ट अपनी इनकम भी बता दी, एक दिन की भी बता दी, महीने की भी बता दी। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन आया रहेगा। और मोटिवेशन आया तो अगर आप ब्लॉगिंग के फील्ड में उतरना चाहते हो तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, कैसे शुरू करना है, कैसे सेटअप करना है, कैसे ट्रैफिक लाना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात किया हुआ है। कंटेंट कैसे लिखना है तो उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग जरूर देख लेना। अगर आपको करना है तो, कोई मतलब ऐसा वो नहीं है, आपको करना है तो ही देखना, अदरवाइज मुजरा देखो रील्स पे। बट यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो लाइफ में आप कुछ अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, इसलिए आप यहाँ तक वीडियो पर बने हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने लाइफ में जरूर फोड़ोगे। वैसे भाई मेरी वीडियो आपके नज़र में कब आई थी? मैंने आपकी वीडियो देखी थी 2018 के आसपास। इंटरव्यूज देखे होंगे आपने? हाँ इंटरव्यूज देखे थे मैंने आपके वीडियोज देखे थे और मैं मतलब और भी अमित के, हाँ अमित भैया के देखे थे, तो मैंने देखे थे थोड़ा, मैं इनसे भी थोड़ा इंस्पायर हुआ हूँ कहीं ना कहीं। ओके चलो, मतलब मैं क्रेडिट ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, मैं हुआ हूँ इंस्पायर। नहीं भाई लेकिन आपकी जर्नी बहुत कमाल की है और जिस तरीके से आपको जॉब लगी थी और आपने जॉब छोड़ के ब्लॉगिंग को कंटिन्यू किया और
शायद मतलब वो चीज़ ऐसी थी कि वो मैं कर भी नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कि एक ट्राई तो देना बनता है, जो चीज़ अपन ने सीखी है 3-4 साल में वो उसको देना बनता है। और वो उसी बीच में जब हुआ, ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं भगवान चाहते थे कि तू यही कर, तू इसी के लिए बनाया था, तू यही कर। ओके, तो राकेश भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि आपको भी मजा आया होगा ऐसे एडवेंचरस क्वेश्चंस जो हमने पूछे आपसे। तो एंड आई होप ऑडियंस को भी मजा आया होगा और आज की वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा। एंड मुझे लगता है कि पहली बार इतना बड़ा अमाउंट हमने शो किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो भाई बहुत सारे लोग हैं जो इससे भी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल बना रहे हैं, नेक्स्ट लेवल। ये कुछ भी नहीं उनके सामने, दम चाहिए भाई ऐसा दिखाने के लिए जो राकेश भाई उसके सामने। बट रियली थैंक यू सो मच। कुछ ज्यादा ज्यादा कुछ 3 टिप देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? 3 टिप्स ये है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो दिल से करो और ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा। दिल से करते रहो और मेहनत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच राकेश भाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और मैंने लाइक का एक टारगेट जो आपसे बोला था वो पूरा कर देना, क्योंकि 120,000 का हमने जो इनकम शो किया, चलो 120,000 लाइक्स तो नहीं पॉसिबल है, 20,000 लाइक्स तो कर दोगे ना, 20,000 लाइक्स हो जाने चाहिए। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाता रहता हूँ और उनसे उनकी तिजोरियाँ खुलवाता रहता हूँ आप लोगों के सामने। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।